ओके, तो अभी के टाइम में अपने इंस्टाग्राम पर ये वाली रील तो जरूर देखिए क्योंकि टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एंड अगर आप भी कुछ इस टाइप रील को ऐड करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है आपकी रील वायरल होने के, क्योंकि इस वाले शो में अभी के टाइम में जितने भी रील्स बनी सबके मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा वायरल हो रही है इस टाइम। तो आज की वीडियो में आपको इस खाने वालों की आप कैसे इस टाइप रील को ऐड कर सकते हो एंड कैसे अपनी रील को वायरल भी करा सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसको लगे चैनल पर लेते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है VN, जिसे आप बहुत इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देख क्या करना है, आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस वाला, तो आप क्लिक कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे इस टाइप से, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी ये वाली, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इसे चूज कर लेंगे। तो इस वाली वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इस वहाँ से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन आपको यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारी वीडियो आ चुकी है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी वीडियो को फ्रेम सेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 9:60 वाला रेंज चूज कर लेंगे, जो कि हम इंस्टाग्राम रील के लिए करते हैं, ठीक है। और क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे आगे की तरफ जाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे अपनी वीडियो में कट लगाना है 2.95 पे, तो आपको यहाँ पे पहले ये देखना है कि 2.95 कहाँ पर आ रहा है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2.95 आ चुका है, ठीक है। तो देखो कट लगाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा स्प्लिट वाला, तो आप सिंपली इस टाइप से क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो को यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और इस से डिलीट कर देंगे और आपको यहाँ पे लास्ट में वाटर मार्क मिलेगा और इसे भी यहाँ से इस टाइप से डिलीट कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो देखो अभी आपके यहाँ पर वीडियो इतनी बची है, तो क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे नीचे स्पीकर वाला, तो आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो में अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत ऑडियो होगी यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाएगी। एंड क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे फिर फोटो वाला ऑप्शन पे और आपको यहाँ से अपने कोई 7 फोटो चूज कर लेनी है, 7 फोटो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से चूज कर लूंगा फटाक से, ओके, तो यहाँ पे मैंने फोटो चूज कर लिया है। देन आपको यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमारी फोटोज भी आ चुकी है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करना है। तो देखो वो कैसे कर सकते हो आप, उसके लिए आपको यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऐसे म्यूजिक वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा प्लस वाला छोटा सा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे, तो आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे। बहुत सिंपल है यार। एंड देखो आप यहाँ से फिर से वही वाली वीडियो चूज कर लेनी जो कि हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड की थी, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो जो इस वाली वीडियो का ऑडियो होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा एंड आ चुका सबसे ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से इसे चूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे चूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो अभी आपके यहाँ पर वीडियो में ऑडियो भी लग चुका है। तो देखो अभी क्या करना है, जो सबसे मेन काम है आपको यहाँ पे अपने म्यूजिक में बीट लगाने। तो देखो वो कैसे लगा सकते, बिल्कुल सिंपल स्टेप में बताऊंगा। तो क्या करना, आपको म्यूजिक पे टाइप करना है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे एंड आपका साइड नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेकंड नंबर पर बीट वाला, तो यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे, ठीक है। और देखो आप कहाँ पे अपनी फर्स्ट बीट लगानी है 3.61 पे, तो आप कहाँ पे पहले ये देख रहे हैं कि 3.61 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार देख लेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3.61 आ चुका है। तो बीट लगाने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इस रेड वाले फ्लैग पे क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट बीट लग जाएगी। एंड देखो आप कहाँ पे अपनी सेकेंड बीट लगानी है 4.15 पे, तो जैसे यहाँ पे देख लेंगे 4.15 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4.15 भी आ चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सेकंड बीट लग जाएगी। एंड देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहली बीट कहाँ पर है, दूसरी बीट कहाँ पर है और तीसरी बीट कहाँ पर है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। एंड जब आप अपनी कोई रील एडिट करो तो आप इसमें देख देख के बहुत ईजिली अपनी रील को एडिट कर सकते हो। एंड देखो अगर मैं आपको यहाँ पे एक एक बीट लगा के दिखाने लगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं ऐसे अपनी बीट फटाक से लगा लूँगा। एंड उनकी जो टाइमिंग होगी वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो मैंने अपनी सारी बीट अच्छी तरीके से लगा दी। तो देखो अभी मैं आपको इनकी टाइमिंग बता देता हूँ कि कौन सी बीट कहाँ पर है। तो देखो आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट बीट लगानी 3.61 पे और सेकंड बीट लगानी है 4.15 पे और यहाँ पे आपकी थर्ड बीट है 4.94 पे और यहाँ पे आपकी फोर्थ बीट है 6.03 पे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो फिफ्थ बीट है वो है 6.56 पे और जहाँ पे सिक्स्थ बीट है वो यहाँ पे 7.38 पे और जहाँ पे लास्ट वाली बीट है हमारी वो है 7.89 पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 7 बीट लगा देनी है, देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो देखो आपके यहाँ पे इतना काम हो चुका है। तो देखो अभी क्या करना है,
आपको यहाँ पे अपने पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे अपनी पहली बीट के नीचे ला के रख देंगे इस टाइप से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल नीचे है बीट के, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपने सेकंड वाले फोटो पे क्लिक करना है, तो क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी सेकंड वाली बीट के नीचे ला के रख देंगे इस टाइप से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो देखो आपको सेम यही करना है कि आपको फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे बीट के नीचे ला के रख देंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं अपने सारे फोटोज को फटाक से एडजस्ट कर लूंगा। एंड देखो आप कहाँ पे 7 या 8 फोटो चूज करने थे, तो मैं बोल गया था उसके लिए सॉरी, आप कहाँ पे 8 फोटो चूज करने थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो फोटो कम पड़ रहा है, तो आप कहाँ पे एक फोटो जोड़ना है उसके लिए क्या करना है, आप कहाँ प्लस वाला आइकन क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन जाएंगे और यहाँ से अपना कोई एक और फोटो चूज कर लेंगे, तो यहाँ पे टोटल आपके 8 फोटो हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ से ये वाला फोटो चूज कर लूंगा और यहाँ से एयर वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यार मैं सॉरी, मैं भूल गया था उसके लिए सॉरी। तो क्या करना है, आप यहाँ पे अपने फोटो पे क्लिक करना है और इसे यहाँ से जहाँ पर आपका जो म्यूजिक खत्म हो रहा है वहाँ पे ला के इस टाइप से रख देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैच हो चुका है हमारे फोटो बीट के हिसाब से। तो देखो अभी क्या करना है, जो सबसे मेन काम है एंड में, जिसके बिना तो कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे अपने फोटो में इफेक्ट लगाना, एंड आपको इफेक्ट कौन से लगाना है अभी आप वो देख लो। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे आइकन क्लिक करोगा प्लस वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऐसे ये व्हाइट वाला चूज कर लेंगे इफेक्ट, ठीक है, और यहाँ से राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। देन आपको यहाँ पे अपने पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सबसे नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा एफएक्स वाला, तो यहाँ पे सिंपल इस टाइप से क्लिक कर देंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा जूम इन वाला, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इस यहाँ से अपने फोटो के बराबर का कर लेंगे इतना, ठीक है। देन आपका राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो देखो आपको यहाँ पे ये करना है कि जैसे हमने यहाँ पे अभी जूम इन लगाया था, तो जो इससे वाला नेक्स्ट वाला फोटो है उसमें हम यहाँ पे जूम आउट लगाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एफएक्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे जूम आउट देख लेना है कहाँ पर है, तो देख लेंगे यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इस से चूज कर लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ से राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो देखो आपको यहाँ पे यही करना है कि पहले जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी जूम आउट लगाया था, तो जो इससे नेक्स्ट वाला फोटो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एफएक्स में जाएंगे और इसमें हम यहाँ पे जूम इन लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे इसे बिल्कुल शुरू में लेके आ जाएंगे और आगे की तरफ जितना हो सके बढ़ा लेंगे एंड ऐसे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे सेम ऐसे ही करना है, पहले जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। तो मैं अपने सारे फोटोज में इफेक्ट फटाक से लगा लूंगा। ओके, तो फाइनली मैंने अपने सारे फोटोज में अच्छे से इफेक्ट लगा दिए हैं। तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाता हूँ, देखते हैं कैसी बनी है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुके था, एक लाइक तो बनता है। तो देखो अभी क्या करना है, आपको अपनी गैलरी में सेव ही करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ऐसे राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, तो ये वाली वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट जरूर कर देना, ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। और ये राइट वाली वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जल्दी से इस पर क्लिक करो और जल्दी से देखो।